नमस्कार, चैतालीस किचन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे ग्रीन मूंग विद सांभर मसाला, जिसे बनाने के लिए हमें चाहिए साबुत ग्रीन मूंग, जिसे मैंने 2 घंटे भिगो के उसका पानी निकाल दिया था, तो ये थोड़े थोड़े स्प्राउट्स आ गए। ये करीब 4 घंटे में स्प्राउट्स हो गए हैं। आप 2 घंटे भिगा के तुरंत बना भी सकते हैं। टमाटर, लहसुन, राई, लाल मिर्च, आमचूर पाउडर, सांभर मसाला और तेल और हींग। सबसे पहले मूंग हम कुकर में डाल देंगे और 1 ग्लास पानी डालेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब कुकर का ढक्कन लगा के 1 सीटी लगा लेंगे। अब 1 कढ़ाई में हम लोग थोड़ा तेल डाल के उसमें राई डालेंगे, लहसुन डालेंगे, हींग, इसे हम लोग थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें लाल मिर्ची पाउडर, टमाटर डाल के मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढक्कन लगा के धीमी आंच पे तेल छोड़ने तक पकाएंगे। टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब इसमें जो हमने मूंग बॉईल किए थे वो डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढक्कन लगा के धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। अब इसमें आमचूर पाउडर, सांभर मसाला डाल के मिक्स करेंगे और इसे फिर से ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि मसाले इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। पांच मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें धनिया डालेंगे। ग्रीन मूंग हमारे रेडी है। इसे हम सर्व करेंगे। इसे हम रोटी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। हमें आशा है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।